अस्सलाम वालेकुम। ये जी फ्रांस के गांव हैं छोटे छोटे। ये हम लोग एक गांव में कंपनी थी, वहाँ पे गाड़ी खाली करके आ रहे हैं, तो वीडियो लेट ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वीक का काम था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वीडियो कम ही बनाता रहा हूँ। तो ये पेरिस से 200 किलोमीटर आगे कंपनी थी और ये गांव है, तो यहाँ के गांव भी आप देख लें कि हमारी सिटी से बहुत अच्छे हैं। तकरीबन हर एक सहूलत दी हुई है गवर्नमेंट ने इनको, तो ये गांव है। बाकी ये देखिए आप, हरियाली हरियाली, वो सामने गाय हैं। फ़ोन अच्छा नहीं है मेरा इतना, वरना जूम करके आपको वो भी दिखा सकता मैं। बाकी माहौल देख ले आप। तो दूसरा ही बाकी जिन लोगों के जहन में है ना कि यहाँ पे बहुत इजी है काम, इजी है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ रूल डिसिप्लिन और आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं चलना पड़ता। तो फिलहाल हम लोग दो ड्राइवर हैं इस गाड़ी पे, तो ये मेरा लास्ट वीक है, उसके बाद मैं सिंगल पे चला जाऊंगा, ये भी सिंगल पे चला जाएगा। तो हम लोग चलाते कितनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक दिन में 15 घंटे दोनों चलाते हैं, 15 से मैक्सिमम 16 घंटे। तो उसमें से तकरीबन 6 घंटे मैं और 6 वो चलाता है, बाकी हमारा लोडिंग अनलोडिंग पे जो टाइम लगता है वो भी काउंट होता है। यानी कि 15 घंटे जब हम लोग सुबह स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 15 घंटे टोटल हम लोग काम कर सकते हैं। 9 घंटे दो ड्राइवर, जो जो दो ड्राइवर वाली गाड़ी है, 9 घंटे उस पर रेस्ट टाइम होता है, ठीक है। तो जो सिंगल वाली है उस पर 11 घंटे रेस्ट टाइम होता है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते। आपने जहाँ रुकना है वो भी आपको पीछे से कंपनी बताएगी। ये भी हम लोगों ने गाड़ी खाली की है तो हमारी कंपनी ने हम लोगों को एक लोकेशन भेजी है ट्रक पार्किंग की, कि आप खाली करके वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके अपना रेस्ट करो, बाकी वो सुबह हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ जाना है। हमारे पास टोटल सारी ये फ्रीज़र हैं जिन्हें दुबई में सलाजा बोलते हैं, तो ये हर दफ़ा इसको खाली करके
estás con esta soledad. Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. ये जी टूल प्लाजा और हमारी गाड़ियों में सारी गाड़ियों में पूरे यूरोपियन कंट्री का वो सिस्टम लगा हुआ है, हम लोग नहीं पे करते, वो ऑटोमेटिक कट जाता है। ये आप अभी देखेंगे कि जैसे गाड़ी नज़दीक जाएगी तो वो बद्दी बाजी रूट चल जाएगा। ये कार्ड बना हुआ हमारा, ये सिर्फ इटली और फ्रांस में मैंने देखा अभी तक। इटली में तो फ्रांस में जब आप मोटरवे पे एग्जिट करते हो, एंट्री करते हो तो टूल बंद देते हैं, बाकी जर्मनी में नहीं है। मैं ठीक है क्योंकि पोलैंड में भी एक ही जगह पे है जब आप एग्जिट करते हो ना पोलैंड, ठीक साथ है नॉर्मल। यहाँ पे इटली में और फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में भी नहीं, ऑस्ट्रिया में भी था जब हम लोग एंट्री की है ना ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पे टूल प्लाजा था। लेकिन ये हमारी गाड़ियों में सिस्टम लगा हुआ है, बाकी डेनमार्क में भी एक जगह था तो वो ऑटोमेटिक ही जब आप इसमें गाड़ी टूल प्लाजा में जाती है इसमें बीप हो जाती है। ये छोटा सा लगा हुआ है इसके अंदर, वो ना एक जैसे नहीं होती वाईफाई की वो छोटी डोंगल, वैसा ही सिस्टम है इसके अंदर गाड़ी के, तो ऑटोमेटिक ही कट हो जाते हैं पैसे। ये जी रोड पेरिस को जाता है, यहाँ रूल और डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं है कि जहाँ मर्जी ब्रेक लगा के तो आप खाना बनाना शुरू कर लो। ठीक है, हमारी सलाजी हैं बरात है तो इसको हर दफ़ा अनलोडिंग के बाद वॉश करवाना पड़ता है, तो अभी हम लोगों को उन्होंने बोला है कि आप रेस्ट करो क्योंकि मेरे हाल से नहीं मिली कोई अपॉइंटमेंट ना, क्योंकि वो हमारी कंपनी पीछे से हम लोगों को सेंड करती है रेफरेंस नंबर के, यहाँ जाके आप ट्रक को दिलवा लो। तो मेरे ख्याल से 5:30 हो गए हैं यहाँ पे, तो बंद हो गई हर चीज़, तो इसीलिए वो अभी कल पे जा पड़ा है, तो कल देखते हैं इंशाल्लाह कि कहाँ भेजते हैं हम लोगों को। बाकी सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, वो वाला हिसाब नहीं है कि आप भगाते रहो। अगर आप सिंगल काम करते हो तो 11 घंटे रेस्ट है, तो अगर आप डबल काम करते हो तो 9 घंटे रेस्ट है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। और इसको सबको फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं कि आप बाहर के हो या यहाँ के हो, उस सिस्टम जो है वो सबके लिए एक ही जैसा है। बाकी अच्छा है इन लोग, यहाँ एक बात अच्छी है कि यहाँ पे ग्रीनरी है हर तरफ, सफाई ग्रीनरी। इटली थोड़ा जिस सिटी में हम लोग गए थे वो थोड़ी, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी गंदी थी, रोम की जहाँ पे शायद उनके रेफ्यूजी कैंप थे वो जगह बड़ी गंदी थी, तो बाकी तो बहुत अच्छा था वहाँ पे भी सारा सिस्टम। देख तो ये जी ट्रक पार्किंग आ गई है, तो 4 बजे के बाद यहाँ पे पार्किंग कम ही मिलती है क्योंकि सारी गाड़ियाँ खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। Geç.
na prawą stronę. ये देखें जी, गोरों का शौक। इन्होंने यूनिट के पीछे ये कार पूरा लगाया हुआ है। ये जनाब यार ट्रक पार्किंग है यहाँ फ्रांस में। ये इंग्लैंड का है मेरे हाल से जी, नंबर तो इंग्लैंड का है इसका। ये पीछे भी देखें आप, ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड से आए हैं, टूरिस्ट हैं सारे। ये जी ट्रक पार्किंग एरिया है। ये तकरीबन हम लोग फ्रांस से आगे हैं स्पेन की तरफ। तो ये माहौल देख लें, यहाँ पे वाशरूम भी बड़े अच्छे होते हैं, क्लीनिंग भी रेगुलर करते हैं ये पंप वाले। उसके बाद नहाने का सिस्टम भी बड़ा अच्छा होता है। जर्मनी में भी ऐसा है, इटली में भी ऐसा है। कई जगहों पे पैसे लेते हैं, कई जगहों पे वो पैसे नहीं लेते। तो ये जनाब ट्रक पार्किंग है यहाँ पर, माहौल बड़ा अच्छा है। ठीक है, अभी हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, शिफ्ट नहीं ख़त्म हुई, आज हमारी गाड़ी अनलोडिंग पे बड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, तकरीबन 7 घंटे। तो टाइम फिनिश हो गया, हमने वाश करवाना है अपना ट्रक, तो वो वाशिंग वाले सारे बंद हो गए हैं। तो अभी इसी पार्किंग में हम लोग रात गुजारेंगे और सुबह इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट प्लान जो हुआ वो कंपनी वाले भेजेंगे।